जी अस्सलाम, देखें जनाब, आज है ईद का पांचवा दिन, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश थी, अब थोड़ी सी कम है। तो देखिए सामने गाड़ी खड़ी है, वो हमारी नहीं है वैसे किसी की है, गाड़ी खड़ी है, बारिश देखें, देखें कैसे पानी चल रहा है। देखें अंदर चलते हैं, देखिए हमारे गैराज में पानी, और ये देखिए बारिश का पानी ये पौधों में भी पड़ रहा है इधर, देखिए किस तरह बारिश, देखिए हमने रखा हुआ ये जंगला मग जिसको कहते हैं, उधर से बारिश आ रही है, और लाइट नहीं है इस वक्त, मैं आपको किचन में जाकर दिखाती हूँ जी। ये हम खाना बना रहे थे, मैंने बनाया था गोश्त, देखें ये देखिए, बहुत मज़ेदार गोश्त बनाया, अभी इसके साथ लगे हैं रोटी पका रही हूँ। हाँ जी, बारिश हो रही थी, मैंने कहा पूड़े बनाऊँ तो आपके सामने बनाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे भी मैंने आपको बनाने बताए हुए हैं, सिखा दिए हैं कि कैसे पूड़े बनाते हैं, ये देखिए। सॉरी होटल चल रहा था, शोर काफ़ी था, शायद आपको ना समझ आ रही हो, तो ये देखिए इस तरह से, हाँ जी ये देखिए, ये अब साइडों पे थोड़ा सा पकता है, तो ऊपर देसी घी लगाएं या मक्खन लगाएं, आपकी चॉइस, आप जो मर्जी लगा सकते हैं, इसकी साइड पलटेंगे और इसको गोल्डन करके उतार लेंगे जी। ये देखें एक साइड तो हमारी, हमने साइड चेंज की थी कूड़े की, इसकी साइड चेंज कर दें, ये देखें, ये देखिए एक साइड कितनी गोल्डन प्यारी हो चुकी है, तो अब दूसरी भी इस तरह पक जाती है तो हम उतार लेते हैं। हाँ जी, ये पूड़ा जो मैंने बना लिया, ये देखें बाहर अपने बेटे को देने जा रही हूँ, ले जी बेटा, ये देखें कितना प्यारा है, कितना बारीक और कितना मज़ेदार, अभी वो बनाते हैं, फिर मैं आपको तवे वाला दिखाती हूँ जी। ये देखें पूड़ा जो है पक चुका है, ये देखें, हाँ जी ये देखें नीचे से भी किस तरह कितना प्यारा पका है, ऊपर से भी ये देखें, ये ले बेटे। बारिश में पूड़ा खाने का तो अपना ही मज़ा है, ये देखें मज़ेदार सा देसी घी में बना हुआ पूड़ा, मैंने कैसे बनाया रेसिपी मैंने पहले आपको दी है, मैं फिर से बता देती हूँ। इसमें मैंने डाली है सूजी, मिसाल है कि एक कप अगर आपने सूजी लेंगे तो एक कप आपने मैदा लेना है, और हसबे जायका मीठा डाल लें, एक अंडा डाल लें, और फूड कलर येलो वाला वो डाल लें, और इसको इस बैटर को मिक्स कर दें, तो इसको मिक्स करके आप इसको छोड़ दें घंटे के लिए, घंटे डेढ़ के लिए छोड़ दें, तो फिर इसको आप बनाएं। आपके सामने मैंने बनाया, बहुत मज़े का बनाए, अभी मैं ये देखकर खाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसा है। बहुत मज़ेदार, टेस्टी। पहले लोग बनाते होते थे आटे के पूड़े, गुड़ वाला, गुड़ का चास डालते थे, और घर का आटा सिंपल लेके उसको छान के तो बनाते थे। मेरे बच्चे इस तरह का पूड़ा नहीं खाते, क्योंकि मैं खुद नहीं थी खाती, मेरी अम्मी के घर में ये वाले पूड़े बना करते थे, तो मेरी अम्मी जी अल्लाह बख्शे, अल्लाह के पास पहुंच चुकी हैं अल्लाह के हुक्म से, तो वो ये पूड़े बनाती थी। मेरी अम्मी के लिए भी दुआ कीजिएगा, ईद के दिन गुजर रहे हैं, चलो जी वो क्या कहते हैं, ईद तो तीन दिन की होती है, हम चार पाँच दिनों की मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अल्लाह सबको खुशियाँ दे, आप लोगों को भी दे। दुआ में आप ही को याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।